हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरमनदीप सिंह। स्वागत है आपका इजी इलेक्ट्रॉनिक फॉर यू में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, कहाँ पे यूज़ आती है। हिंदी भाषा में बड़े आसानी से पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए। ज़िंदगी आसान नहीं होती दोस्तों, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। चलिए इंट्रोडक्शन। पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी हमारा नंबर ऑफ पल्सेस होती हैं ट्रांसमिटेड पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ पल्सेस ट्रांसमिट की जाती हैं उसे पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और पल्स रिपीटेशन टाइम, ये उसका ऑपोजिट है ना, टाइम और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी समझिए। द टाइम बिटवीन बिगिनिंग ऑफ वन पल्स एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट पल्स, मतलब बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पल्स, एक पल्स से और दूसरे पल्स के बीच का जो टाइम है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पल्स रिपीटेशन टाइम। ठीक है, ये देखिए, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के। ठीक है, ये देखिए, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद पल्स स्पेसिंग, पल्स स्पेसिंग के साथ एसोसिएट है। क्या होती है पल्स स्पेसिंग? डिस्टेंस ट्रेवल बाय पल्स बिफोर नेक्स्ट पल्स, एक नेक्स्ट पल्स आने से पहले एक पल्स जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे हम कहते हैं पल्स स्पेसिंग। प्रोपेगेशन स्पीड पल्स की बाय पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए ग्राफ में देखिए, सब कुछ समझिए। देखिए यह है एक पल्स है, ठीक है, पल्स है, और यह है नेक्स्ट पल्स है। हमने रडार ने एक पल्स भेजी टारगेट की ओर और वहाँ से टकरा के सिग्नल आया इको सिग्नल। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इको सिग्नल है, ठीक, उसे रिसीविंग टाइम में आता है। जब रिसीविंग टाइम ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट पल्स शुरू होने के बीच का जो टाइम है उसे डेड टाइम बोलते हैं, और उस टाइम में कंट्रोल पल्सेस भेजी जाती हैं। ठीक है, अब ओवरऑल देखिए, एक पल्स और दूसरी पल्स के बीच का जितना भी टाइम है उसे हम बोलते हैं पल्स रिपीटेशन टाइम। ठीक है, देखिए मैंने इसी ग्राफ में आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है कि इको सिग्नल, कंट्रोल पल्स, डेड टाइम। और डेड टाइम देखिए, इफ़ रिसीविंग टाइम एंड्स, अगर ये यहाँ पर देखिए रिसीविंग टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है, यहाँ से ख़त्म हो गया, एंड बिफोर द नेक्स्ट ट्रांसमिटिंग पल्स, ट्रांसमिटिंग पल्स ये है, इसके और इसके बीच का जो टाइम है उसे हम डेड टाइम बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से देखिए, एक दो मिनट, चार मिनट की वीडियो है, आप दोबारा से देखिए, फिर से अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अब कैलकुलेशन देखिए, पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी मैंने बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक है, और पल्स रिपीटेशन टाइम क्या होता है, ये 2 an ambiguous range upon c। अब ये रेंज कौन सी होती है, मैक्सिमम रेंज होती है जो कि रडार से सिग्नल भेजते हैं हम टारगेट की ओर और वापस आता है, और इन दोनों में अगर अपना कॉरस्पॉन्डिंग अगर कुछ मेल जोल हम तय कर पाते हैं उस रेंज को कहते हैं an ambiguous range। ठीक है, मान लीजिए आप मतलब एक मैक्सिमम रेंज रख लीजिए जहाँ तक हमें एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं किसी भी रडार की। ठीक है, अब ये देखिए पल्स रिपीटेशन, अगर हमें टाइम पता है कि हमने अभी एक पल्स भेजी थी तो उसके बाद रिसीविंग इको सिग्नल आया, कितने टाइम में आया, हमें टाइम पता है तो हम ये रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं हम उस टाइम के साथ। ठीक है, ये देखिए PRF पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी, PRT पल्स रिपीटेशन टाइम, और C क्या है, ये देखिए C, सी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और नीचे कमेंट कीजिए आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।